आज हम बनाएंगे मसाला डोसा। इसकी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आटे और सूजी को मिलाकर मसाला डोसा बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी सूजी ले ली। इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा, आपको ये देखो ये सूजी है। अब हम बैटर को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। और 1 कटोरी दही डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा। अब ये देखिए बैटर रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर लास्ट में इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, जितने हम आलू का मसाला रेडी करते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले से राई ली है, जीरा, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, हल्दी लिए 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मिर्ची ली है, नमक स्वाद अनुसार, अदरक घिसी हुई और मीठी नीम के पत्ते, और बॉइल्ड किए हुए आलू लिए हैं। और ये कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा और राई डालेंगे। और बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। मीठी नीम के पत्ते डालेंगे। प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और अब इसमें कद्दूकस किए हुए अदरक डालेंगे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बनता है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हल्दी डाल दी अब मैंने इसमें। और इसमें लाल मिर्च और नमक डाल दी। और इसमें ये चॉप किए हुए टमाटर डाल दें। हम इस मसाले में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे।
अब मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू डालूंगी। और इसे ये देखिए आलू का मसाला रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। और एकदम लास्ट में ये बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, क्योंकि इसमें ये लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि हम मसाले डोसा में आलू के मसाले की फीलिंग करें तो प्याज एकदम क्रिस्पीनेस लाते हैं, अच्छा फ्लेवर लाते हैं, इसलिए लास्ट में कच्चे प्याज डालते हैं। ये देखिए बैटर को 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखा था, उसके बाद में हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। डोसा बनाने के लिए हमने सबसे पहले तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और अब हम इसे पानी के छींटे मारेंगे। पानी के छींटे मारने बहुत ज़रूरी होते हैं। पानी के छींटे इसलिए मारना ज़रूरी है ताकि तवे का टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए और हम डोसे को अच्छे से फैला सकें। स्पून में थोड़ा सा बैटर लिया है, अब हम इसे धीरे धीरे फैलाएंगे। तवा गर्म हो चुका था ज़्यादा। ये देखिए मसाला डोसा पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना परफेक्टली सिका है। हाँ, मैं इसे दोनों साइड से इसलिए सेकती हूँ ताकि इसमें आटे का फ्लेवर नहीं आए, ये अच्छे से सिक जाए। ये देखिए कितना ऑयल फ्री डोसा बनाया मैंने। अब मैं इसके अंदर आलू का मसाला भर दूंगी। ये देखिए अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लूँगी। इसे गर्मा गर्म बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मसाला डोसा के साथ खाने के लिए मैंने नारियल की चटनी ऑलरेडी तैयार करके रखी थी। मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली क्योंकि ये इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती।
प्लीज़ मेरी इतनी देर की मेहनत को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और आप इसे बना कर खाइए ज़रूर, ये बहुत अच्छा लगेगा ये, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए एक बार ज़रूर अपने घर पर।